पिस्ता पार्टी थी, उसके बाद मैंगो पार्टी, और अब जो है वो बॉर्डर की शहर है। बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ जो फैसलाबाद से, लाहौर से, शेखपुरा से तशरीफ लाए। ये कमल के फूल खिले हुए हैं जी, जोड़ है ये पानी जमा हुआ, और क्या खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही एडवेंचरस है। सबसे पहले पकौड़ा पार्टी थी, उसके बाद मैंगो पार्टी, और अब जो है वो बॉर्डर की शहर है। तो ये है जी डीआरबी नहर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप इस वक्त शरीफपुरा बॉर्डर का विज़िट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको अनएक्सप्लोर चीज़ें जो हैं वो उनका विज़िट करवाएंगे। ये हमारी दफाई लाइन पे एक मोर्चा है जो हमारी बहादुर फ़ौज ने बनाया हुआ है, और ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, कोई पास आस पास आबादी नहीं है, लेकिन है फितरत के ऐन मुताबिक, यानी यहाँ पर आपको कोई शोर नहीं मिलेगा। कुदरती आबो हवा है, दरख्त खुद ही कुदरती तौर पर उगते हैं और कुदरती तौर पर ही ख़त्म हो जाते हैं, कोई यहाँ पर दरख्त नहीं काट सकता, जिसकी वजह से ये इलाका अभी तक इंसानी हाथों से बचा हुआ है। ये ऊपर की तरफ जो सड़क है ये जा रही है बॉर्डर की चेक पोस्ट है उनकी तरफ, और नीचे जो है ये एक रिजोर्ट है यहाँ पे बनाया हुआ, तो वहाँ पर अभी हम जाकर स्टे करेंगे। हमारे कुछ दोस्त परमिशन लेने के लिए ऊपर गए हैं, तो हम लोग अभी नीचे जाएंगे। तो ये जंगल में मंगल समझने के रिजोर्ट बना हुआ है, इसके साथ एक खूबसूरत झील भी है, उस झील में कमल के फूल खिले हुए हैं, कश्ती भी वहाँ पर चलती है जो कि वहाँ मेहमान खसूसी के जो आते हैं उनके लिए रखी हुई है। और ये सारा इलाका सुनसान आबाद है, यहाँ पर किसी किस्म की कोई इंसानी आबादी नहीं है, और यहाँ पर जानवर दरिंदे वगैरह काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इनसे बच के आना है अगर आपने आना, और परमिशन के बगैर इस इलाके में नहीं आ पा सकते, तो परमिशन के बगैर आपने नहीं आना। ये सामने वो पार्क आ गया जिसे हमारी रेंजर्स जो है उन्होंने बनाया हुआ है, तो अभी हम आपको पार्क का विज़िट करवाते हैं और यहाँ की जो सहूलियात हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस पार्क की एक खूबसूरती ये है कि ये झील के ऐन किनारे पर वाकिया है, और ये छोटा सा एक पार्क बनाया हुआ है। चलो चलो आओ यार, जल्दी आओ यार, टाइम शॉर्ट है। की करना की इतने जमात कराएंगे। जी मैं बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, बड़ा शुक्र गुज़ार हूँ जो फैसलाबाद से, लाहौर से, शेखपुरा से तशरीफ लाए। अल्लाह ताला हमारे इस प्यार को ऐसे ही कायम रखे और तमाम बाइकर कम्युनिटी में इत्तेफाक और मोहब्बत कायम रखे। जज़ाकअल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, बाइकर कम्युनिटी जिंदाबाद, शेखपुरा बाइकर जिंदाबाद, ये वो खूबसूरत पार्क है जिसकी एंट्री पॉइंट पे एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है,
और ये पंजाब रेंजर्स की तरफ से ये पार्क बनाया गया है। 8 फरवरी 2022 को ये पार्क का इफ्तिताह किया गया है। तो बहुत खूबसूरत पार्क है, झील के एन किनारे पर है। एक किनारे पर पार्क है, दूसरे किनारे पे झील है। और झील में मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि ये सामने जो आपको सब्ज़ सा एरिया नज़र आ रहा है, ये इस जगह पे कमल के फूल होते हैं। तो मैंने भी ये ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रहा हूँ कि कमल के फूल यहाँ पर खिले हुए हैं। बच्चों के लिए प्ले लैंड भी है यहाँ पे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारा तफरी का सामान मौजूद है और पंजाब की सकाफत को भी यहाँ उजागर किया गया है। जिस तरह मैं पहले अपनी वीडियो में अक्सर कहता रहता हूँ कि खुशगवार मौसम हो तो इंसान के मिजाज पर इसका गहरा असर होता है, तो इसी तरह यहाँ मौसम भी खुशगवार है और हमारे तमाम बाइकर जो हैं खुश मिजाजी के साथ आपस में एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे हैं। ये कमल का फूल है, कुछ दोस्त मुझे बता रहे थे, अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि ये वाकई कमल का है, लेकिन कुछ दोस्त बता रहे थे कि ये कमल का फूल है जो हमेशा पानी में उगता है। और इस झील पर खूबसूरत परिंदों के झुरमुट बैठे हुए थे जो हमें देखते ही उड़कर दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए। दरख्त भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा लगाए गए हैं। और एक और मुनफरिद चीज़ यहाँ पर जो है कि ये छोटा सा एक कुआं बनाया गया है जिसमें कोई पार्टी वगैरह हो तो यहाँ पर पानी इसमें भर देते हैं। और इसके अलावा ये सामने बार भी क्यू का भी इंतज़ाम किया गया है, यानी कि यहाँ पर अगर आप पार्टी वगैरह को छोटी मोटी पार्टी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए ये बारबेक्यू के जो सामान है इसका भरपूर इंतज़ाम किया गया, लेकिन इसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। तो परमिशन पता नहीं आपको मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन चूँकि बॉर्डर के बिल्कुल करीब इलाका है तो इसके लिए परमिशन लाजमी आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं जैसा पहले बता चुका हूँ कि पंजाब की सकाफत को भी यहाँ उजागर किया गया है, जिसमें जो जिस तरह हमारे पंजाब में लोग बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपने जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल के बर्तन वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर वो भी लगाई गई हैं। तो वो भी आगे हम दिखाते हैं, आप ज़रा पार्क का विज़िट करें। और मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे इस मालूमाती चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें। ये भी बारबेक्यू का एक उसका हिस्सा है। ये सामने मकान कच्चा, ऊपर ये जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कि सड़कंडों की छत डाली गई है, काने वगैरह, और ये भी बैठने के लिए इंतज़ाम किया गया, बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। तो ये बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया है और काफ़ी दिलकश भी है, लेकिन ये है कि ये है का जो आम इलाके हैं उनसे दूर है। और इस तरह के पार्क शहरों में भी बनने चाहिए। तो ये मैं वो जो आपको पहले बता रहा था कि पंजाब की सकाफत को भी उजागर किया गया है कि ये देखिए ये यहाँ पर पूरा सेटअप एक लगाया गया है कि यहाँ चारपाई रखी गई है, वो चरखा रुई काटने वाला और पानी के घड़े, दूध जिससे चाटी वगैरह है, दूध से मक्खन निकालते हैं वो रखी गई है, हंडिया वगैरह और मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी का कमरा। तो इस तरह ये काफ़ी सारी चीज़ें और फिर ऊपर सरकंडों की छत। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया गया है। ये सामने इसकी जो बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये सारा ज़ीरो लाइन का एरिया है। नेक्स्ट वीडियो में वो भी हम आपको दिखाएंगे। इस तरह यहाँ पर पंजाब की सकाफत जो है उसको भी नुमाया किया गया है, तो ये भी बहुत अच्छा एक कदम है। इसके अलावा यहाँ पर सहूलियात काफ़ी ज़्यादा हैं, खूबसूरत आबशार भी बनाई गई है जो पता नहीं किस वक्त चलती होगी, लेकिन चलती ज़रूर है। इसके अलावा बैठने का भी बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर तो मेरा ख्याल है कि
माली वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रखेज़ ज़मीन है और आपको पता है कि ज़रखेज़ ज़मीन में ये चीज़ें तो खुद ब खुद उग जाती हैं, और फिर नायाब किस्म के पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। ये हमारे गाइड बैठे हुए हैं कि ये हमारे भाई इस इलाके के हैं, जो हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पर परमिशन लेके देते हैं, जहाँ पर नहीं जाना वहाँ से रोकते हैं। ये साथ ही झील है पार्क के, और ये उसका साहिल बना हुआ है। अगर आप कश्ती वगैरह में सैर करना चाहें तो आप नीचे कश्तियाँ भी मौजूद हैं, सैर कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त कश्तियाँ यानी कि बंधी हुई हैं, तो अभी मलाह भी कोई मौजूद नहीं है, तो इस वजह से हम इसकी सैर वगैरह नहीं कर सकते। ये जिस प्लेटफार्म पे हम खड़े हैं, ये प्लेटफार्म भी हरकत करता है, यानी कि इसी प्लेटफार्म पर अगर आप झील में आगे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, तो लेकिन ये भी बंधा हुआ है, तो इस वजह से हम आगे नहीं जा सकते, बस इसी पर ठहर कर इसका विज़िट झील का कर सकते हैं। यहाँ एक और भी चीज़ आपको खूबसूरत सी दिखाऊं कि ये जो पत्ते हैं जो झील के पानी में आपको नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर जो पानी है ना, इसके छोटे छोटे कतरे हैं जिसे हम शबनम कहते हैं, तो ये ऊपर रक्स कर रहे हैं पत्तों के और नीचे नहीं गिरते। ये बहुत ही एक मुनफरद एटम कह सकते हैं आप, कुदरती तौर पर ये किसी ने ऊपर नहीं डाले, ये वैसे कभी ऊपर आ जाते हैं, कभी पत्ते नीचे चले जाते हैं। तो अभी देखें कि ये पत्तों के ऊपर जो है ना, ये छोटे छोटे कतरे आए हुए हैं पानी के, और वो ऊपर कभी इधर रक्स कर रहे हैं, कभी इधर को भाग रहे हैं, इधर को दौड़ रहे हैं, तो बहुत ही प्यारा मंजर बना हुआ है। तो ये झील भी काफ़ी लंबी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी, हम इधर इकट्ठे हुए हैं ज़ीरो लाइन पे, बॉर्डर पे, पाक इंडिया बॉर्डर पे। इधर दावत दी गई थी फैजीस भाई की तरफ से मैंगो पार्टी और पकौड़े, लाइव पकौड़े हमने खुद बनाए अपने हाथों से और बड़ा मज़ा किया। अभी हम इधर बॉर्डर का विज़िट कर रहे हैं और हम तमाम भाई जो है ना फैजी भाई की मोहब्बतों का शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें दावत दी। अल्लाह उनके माल जान में बरकत दे। Anybody?
है।